यार फिर एक बात तो बताओ मुझे। हाँ तो अपने माँ बाप का सगा बेटा ही है ना? क्या बकवास कर रहे तू? सच्ची तो कह रहा हूँ, इतना जुल्म तो उसके लिए माँ बाप ही नहीं करते हैं। और अभी तक हमारी बीए की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो सिर्फ रमजान चाचा की मुकरबी की वजह से इतनी सख्ती हुई है और तुझे नौकरी पर लगवा दी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से कोई दुबई शुबई में कोई चांस ढूंढो, वरना यहाँ पे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। एड्रेस तो यही दिया था। तुझे बताओगे ना तुम का? ये 111, 112, 113 यही है। क्या घर है यार, भाई को भी अंदर लेके जाना यार। तुझे अंदर ले जाऊंगा, वो मेरे चचे का घर है, मुझे तो अंदर जाने थे पहले। सब जानता हूँ मैं, अब बड़ा आदमी बन गया, बड़े घर में काम करता, तुझे मैं कहाँ याद रहूँगा। ओ यार तू पहले मुझे अंदर जाने दे, कोई काम मिला कोई चांस बना तो बुला लूंगा तुझे। पक्का? हाँ पक्का। चलो चल ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, हाँ
अस्सलाम वालेकुम, पहुँच गए आप? वालेकुम सलाम जी, मैं निसार साहब से। जी जी, अंकल ने मुझे बताया था। आप अकेले आए हैं, फैमिली नहीं आई आपके साथ? क्या उन्हें भी लाना था? फिलहाल तो अकेला ही आया हूँ। वैसे अगर काम ज़्यादा है तो मैं उन्हें बुलवा लूँगा। अच्छा, अंकल अभी किसी काम से गए हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, मैं कमरा दिखा देती हूँ आपको। मेरा कमरा? जी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए। ये आपका रूम है, आप ठंडा चाय कॉफ़ी कुछ? कोई मसला नहीं है, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेल है, आप बस उसे बजा दीजिएगा। रात के खाने के लिए आप जो भी खाना चाहें बस मेन्यू में नोट डाउन करा दीजिएगा, मैं शेफ़ को आपके पास भेजती हूँ। मेरी बात सुनिए प्लीज़, आप ये सब तकल्लुफ़ नहीं करें, मैं यहाँ पे सिर्फ निसार साहब से मिलने आया हूँ, उनकी बेटी। आप पहली बार हमारे घर आए, मेहमान हैं आप हमारे, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक निसार अंकल भी आ जाएंगे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मेरा कमरा? अबे भाई यार सीधी, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी घबरा रहे तू? मेरे लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। वो ये बाथरूम है या महल? बने भी बड़े देख के नौकरी लिया मेरे लिए। चल भाई फीदी, एक गर्म शावर तो बनता है। माही सुनो। जी अंकल, आपके मेहमान आ गए हैं ना, वो बैठे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम गेस्ट रूम खुलवा दो और उनके बेहतरीन खाने पीने का बंदोबस्त करो, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये आपके कनाडा वाले मेहमान हैं? हाँ यही तो हैं सारे मेहमान। अंकल मुझे दो मिनट दे बस, अंकल सॉरी मैं आई। माही जीप लड़की है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो निसार साहब, मुझे याद आया आपने गुलाम दीन को फोन कर दिया था केटरिंग वालों को। चाय बहुत अच्छी है, लेकिन आपने शेफ का बोला था, वो मेन्यू पूछने आया ही नहीं। कप नीचे रखो। हा? मैं कह रही हूँ कप रखो और खड़े हो। कौन हो तुम? फरहाद। ओह हाय फरहाद, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाने का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से खाने का इंतजार, क्या मतलब? हाँ? अरे क्या हो गया आपको, अभी आप ही लेकर आई है ना मुझे इस रूम में सेटल करने, क्या भूल गई हैं क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक मिनट के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकलो, या अगर नहीं जाया जा रहा तो गार्ड्स बुलवाऊं। अरे 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 अरे, क्या सब ठीक तो है? अजीब लोग हैं इस घर के, एक सेकंड में सर पे बिठा लो, एक सेकंड में गार्ड्स बुला लो। चलो चलो बस निकलो यहाँ से, और हमारे असली मेहमान ना आ चुके हैं। कहां कहां से आ जाते हैं? ये बात सुनो, तुम्हारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, चेक कराओ। आई सेड आउट। जब
बता रहा था कि मैंने क्या कर दिया अपने दोस्त के घर। माही यार कहाँ रह गई थी? यार आई एम रियली सॉरी, पहले से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ, अंकल के कनाडा वाले मेहमान आने थे ना, उनके चक्कर में मैंने किसी और लड़के को घर में घुसा लिया था। क्या, कहाँ है वो? Okay. किसी को खबर होने से पहले ही मैंने उसे निकाल दिया वक्त पर। लेकिन यार बड़ा फ्रॉडिया था, इतना खुन्ना था। मैं जब उसे निकालने के लिए गई हूँ, आराम से चाय पी रहा था गेस्ट रूम में। तुम भी ना एक ही पीस हो वैसे। तुमने मेहंदी पूरी क्यों नहीं लगवाई? यार मेरे से नहीं और बैठा जा रहा, मैं अकड़ गई हूँ बिल्कुल। okay, ना थोड़ी सी देर रहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी लगवाऊंगी। नहीं तुम बहुत जल्दी धो रही हो, रंग नहीं आएगा। आ तो गया है रंग यार, आ तकड़ गए हैं मेरे, मेरे से नहीं बैठा जा रहा मेहंदी के साथ। माही बीबी आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहाँ है वो? जी वो बाहर लॉन में है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी थोड़ी सी तो रहने दो। थोड़ी नहीं रही यार ये। सब बता दिया। माही ये फरहाद है। जी सर, मुलाकात हो चुकी है इनसे मेरी। आपके आने से पहले काफी खिदमत की थी इन्होंने, काफी मेहमान नवाज किस्म के हैं। अंकल ये तो हाँ हाँ, मैंने इसे आज बुलवाया। रिजा की शादी के सारे इंतजाम इसको सौंप दिए, अब ये सारे इंतजाम संभालेगा। देखो भाई सच बात तो ये है कि ये सारे काम मैं अकेले नहीं संभाल सकता, और मेरे ऑफिस के भी जितने बंदे हैं ना, वो इन तकरीबात के जो लवाजमात है ना, उनकी समझ से बाहर हैं। भाई तुम सारे काम फरहाद को समझा दो, और फरहाद तुम सारा चार्ज संभाल लो, मैं ज़रा मेहमान आए हुए उनसे ज़रा मिल लो। ठीक है अंकल, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम अंकल के नए मुलाजिम? कुछ बोलने का चांस दोगी तो कुछ बताऊंगा ना, तूफान मिल की तरह बस हुक्म ही देती चली गई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, तुम अगर मुलाजिम हो तो तुम्हें मुलाजिम बन के रहना चाहिए ना। इस तरह बन ठन कर किसी और की गाड़ी के साथ यूं स्टाइल मारकर खड़े हो गए तो मैं क्या,